फ्रेंड्स, मेरा नाम है शालू पाल। इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। सो फ्रैक्शंस क्या होते हैं? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए बाय बी वेयर ए इज न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन एंड बी इज डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बट बी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड एज फ्रैक्शंस। तो ये तो हमने फ्रैक्शंस की डेफिनेशन देखी, यानी फ्रैक्शंस हम एक रेशो को भी कहेंगे। जैसे यहाँ पे ए न्यूमरेटर है, बी डिनोमिनेटर है, सो ए डिवाइड बाय बी लिखा हुआ है, सो इसे हम एक रेशो भी कहेंगे। दिस इज ऑल्सो अ रेशो। सो ए बाय बी इज ऑल्सो अ रेशो, क्योंकि ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे 5 डिवाइड बाय 3 इज अ फ्रैक्शन, 15 बाय 18 इज अ फ्रैक्शन, 45 बाय 100 इज अ फ्रैक्शन। सिमिलरली हम कैसा भी फ्रैक्शन बना सकते हैं, 13 डिवाइड बाय 15, 18 डिवाइड बाय 19 या 20 डिवाइड बाय 80, 89 डिवाइड बाय 40, ये सारे फ्रैक्शंस हुए। सो फ्रैक्शंस को हम रेशो भी कह सकते हैं। दिस आर ऑल फ्रैक्शंस एज वेल एज वी ऑल्सो कॉल इट एज रेशो, क्योंकि रेशो में भी न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। यहाँ पे ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। इसी तरह से ये जो एग्जाम्पल्स है, इसमें भी न्यूमरेटर 5 है, इसमें डिनोमिनेटर 3 है, इसमें 15 न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर यहाँ पे 18 है, इस रेशियो में 45 इज न्यूमरेटर एंड 100 इज डिनोमिनेटर। सो अ नंबर्स विच इज रिटन इन द फॉर्म ए बाय बी और वी कॉल्ड एज रेशियो वेयर ए इज न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन एंड बी इज डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ओके, सो फर्स्ट टाइप इज प्रॉपर फ्रैक्शन। A fraction whose numerator is less than its denominator is called a proper fraction. So, यहाँ पे हम जैसे पहला टाइप देख रहे हैं proper fraction, तो fraction मतलब ratio जिसमें numerator denominator से छोटा हो उसे हम proper fraction कहेंगे। यानी proper fraction वो है जिसका numerator denominator से छोटा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 4/7, तो यहाँ पे 4 है numerator, 7 है denominator and 4 is less than 7, तो ये proper fraction हुआ। जैसे और एक एग्जांपल है 8/11, यहाँ पे 8 न्यूमरेटर है, 11 डिनोमिनेटर है एंड 8 इज लेस देन 11, सो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल हुआ। अगेन वी विल सी 53/72, दिस 53 इज न्यूमरेटर विच इज स्मॉलर देन 72 जो कि डिनोमिनेटर है, सो ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये हमने समझा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट इज सेकेंड टाइप ऑफ फ्रैक्शन है improper fraction. A fraction whose numerator is more or equal to its denominator is called improper fraction. तो improper fraction में जैसे कि हमने देखा यहाँ पे कुछ examples है 7/4, यहाँ पे 7 जो कि numerator है denominator से बड़ा है, 4 denominator है, 7 is greater than 4, so this is an example of improper fraction. 24 divided by 12, यहाँ पे भी 24 जो है 12 से बड़ा है, 24 numerator है, 12 डिनोमिनेटर है एंड 24 इज ग्रेटर देन 12, तो ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल हुआ। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5 डिवाइड बाय 5। अब 5 जो कि न्यूमरेटर है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 5 है, दोनों इक्वल है, यानी न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, सो ये भी एग्जाम्पल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का है। अगेन 18/18, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर या तो बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए डिनोमिनेटर से, ऐसे फ्रैक्शंस को हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ओके, तो यहाँ पे हमने दो टाइप ऑफ फ्रैक्शन देखे, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, थर्ड टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे देखिए 1/2/4, 3/2/3, 5/4/3, ये सब मिक्स फ्रैक्शंस में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर्स का सम हुआ है। ओके, एंड प्रॉपर फंक्शन के साथ। अब जैसे देखिए मिक्स फ्रैक्शंस के आप न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, कुछ आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है कन्वर्ट 1/3/4 टू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हम ऐसे फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे। देखिए ये है 1/3/4, सो हम क्या करेंगे, पहले इस 1 को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/4, यहाँ हमने लिखा है 1/4 प्लस न्यूमरेटर को हम ऐड करेंगे। ओके, 1/4 + 3 एंड डिनोमिनेटर विल बी एज इट इज 4। अब 1/4 इज 4 + 3,
डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज एंड 4 प्लस 3 बिकम 7 बाय 4, तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, तो यहाँ पे 7 इज ग्रेटर देन 4, सो हियर वी गेट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7 बाय 4। तो ऐसे एग्जाम्पल्स को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ऐसे ही जैसे यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल है 3 इंटू 2 बाय 3, इसको भी अगर हमें सॉल्व करना है तो हम इस 3 को पहले इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3, देन प्लस 2 न्यूमरेटर को हम ऐड करेंगे एंड डिनोमिनेटर में 3 एज इट इज, 3 इंटू 3 9, प्लस 2 डिनोमिनेटर में 3 एज इट इज अगेन 9 प्लस 2 इज 11 बाय 3, तो ये भी इम्प्रॉपर फंक्शन बन गया। तो इस तरीके से हमें अगर पूछा है कि कैसे कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया है। यहाँ पे देखिए मिक्स फ्रैक्शंस में नेचुरल नंबर्स के साथ कंबाइन किया गया है प्रॉपर फ्रैक्शन। आप देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन है ये 2 बाय 4, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, और ये नॉर्मल नेचुरल नंबर है, इसको इसके साथ कंबाइन किया गया है या फिर सम किया गया है हम कह सकते हैं। बिकॉज वी आर वाइल सॉल्विंग हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसका ऐसा डेफिनेशन बोला है कि नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फंक्शन। दिस इज प्रॉपर फंक्शन एंड दिस इज नेचुरल नंबर, एंड बाय सॉल्विंग हम कैसे कर रहे हैं 4 इंटू 1 प्लस 2 डिनोमिनेटर में 4, इसलिए इसे हम मिक्स फ्रैक्शंस कहते हैं। ओके, और एक न्यूमेरिकल देखते हैं, कन्वर्ट 39 बाय 7 टू अ मिक्स फ्रैक्शन। अब यहाँ पे हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है और इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में करना है, तो हम कैसे करेंगे? ऑन डिवाइडिंग 39 बाय 7, पहले हम इस 39 बाय 7 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखिए हमने डिवाइड किया है 7 या 39, 7 फाइव ज़ा 35 और डिनोमिनेटर में आ गया माइनस करके 4, तो यहाँ पे 5 इज अवर क्वेश्चन एंड 4 इज अवर रिमाइंडर। तो हमें क्या चाहिए, 39 बाय 7 को क्वेश्चन हमें पहले लिखना है, 5 हमने यहाँ पे पहले लिखा एंड 4 ये जो रिमाइंडर है यहाँ हमने न्यूमिनेटर में लिखा और 7 डिनोमिनेटर में एज इट इज। कभी भी डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता है, चेंज सिर्फ क्या होता है न्यूमिनेटर वाइल सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ एग्जांपल्स। अब यहाँ पे देखिए हमने 39 को डिवाइड बाय 7 किया, तो यहाँ हमने लिख दिया क्वेश्चन, यहाँ हमने लिख दिया रिमाइंडर, सो दिस इज क्वेश्चन दिस इज रिमाइंडर डिनोमिनेटर एज इट इज। तो हमारा इक्वेशन ऐसे हो गया 5 इंटू 4 बाय 7, ये हमारा फ्रैक्शन हमें मिला। तो 39 बाय 7 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 5 इंटू 4 बाय 7। ओके, इस तरीके से हमने कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में। ओके, फोर्थ टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज डेसिमल फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज एनी ऑफ द नंबर्स लाइक 10, 100, 1000 एक्सेट्रा इज कॉल्ड अ डेसिमल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे 4 बाय 10, 60 बाय 100, 778 बाय 1000, ये सब डेसिमल फ्रैक्शंस हैं। कोई भी फ्रैक्शन या रेशियो जिसका डिनोमिनेटर टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स या फिर और भी हम आगे कंसिडर कर सकते हैं 10,000, मिलियंस, बिलियंस, तो जिसका भी डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है उससे हम डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। क्योंकि आप जानते हैं 4 बाय 10 को हम 0.4 भी लिख सकते हैं, 60 बाय 100 को हम 0.6 भी लिख सकते हैं, ओके, इसको हम 0.778 भी लिख सकते हैं, तो इसे हम डेसिमल फॉर्म में लिख रहे हैं। ओके, 0.4 इज डेसिमल नंबर, 0.6 इज ऑल्सो डेसिमल, ये भी डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल नंबर तो ये हो गए, लेकिन फ्रैक्शंस हम ऐसे लिखेंगे, इसका फ्रैक्शन फॉर्म ऐसा है, 0.6 का फ्रैक्शन फॉर्म ऐसा है, 0.778 को भी फ्रैक्शनल में हम ऐसे लिखेंगे, सो दिस आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शंस। तो ये आपको समझ में आया होगा, फ्रैक्शन जिनके भी डिनोमिनेटर में टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स है उन्हें हम डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट टाइप है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग सेम नॉन जीरो नंबर टू इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट, जैसे हमारे पास एक नॉर्मल फ्रैक्शन है 2 बाय 4, अब इसके हमें और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर हम कोई भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद हमें जो फ्रैक्शन मिलता है वो फ्रैक्शन उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। जैसे देखिए 2 बाय 4 का हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो हम इसके न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिला 4 बाय 8। इसका अगेन फिर से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, सो इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 8, 8 2 16। तो यहीं पे हमें 2 बाय 4 के 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिल गए, 4 बाय 8, 8 बाय 16। अगेन हम आगे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 8 बाय 16 को 2
टू से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 16 डिवाइड बाय 32, क्योंकि 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32। ये भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 2/4 का। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में शो किया, तो यहाँ 2/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ये 3 है, तो इसे कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, जो कि हमें कैसे मिला है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया। सो ये होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5 या कोई और फ्रैक्शन आपको दिया होगा। यहाँ हमने एग्जाम्पल के तौर पे 3/5 लिया है, तो इसे आपको कैसे सॉल्व करना है। हमें 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5 विल बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर, एंड नंबर शुड नॉट बी जीरो और नंबर शुड बी नॉन जीरो। तो यहाँ पे हमारे पास 3/5 है, ओके। तो इसका पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। आप किसी भी नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर से, बट वो नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमारे इजी कैलकुलेशन के लिए हम सबसे छोटा नंबर लेंगे 2, ओके, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम आंसर मिलेगा 3/5। तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं, पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम 2 से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करते हैं। तो हमने यहाँ पे 3/5 के न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 × 2 = 6, 5 × 2 = 10। सो वी गॉट द फ्रैक्शन 6/10। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें मिला 3/5 का। सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब 2 से तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो हम यहाँ पे सेकेंड में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 × 3, 5 × 3, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया। ऊपर और नीचे दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तभी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। अब यहाँ पे हमें मिला 3 × 3, 9, 5 × 3, 15। तो अगेन नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वी फाइंड 9/15। थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो अब हमने 2 से भी मल्टीप्लाई कर लिया, 3 से भी कर लिया, सो नेक्स्ट हम 4 ले लेते हैं। सो 3/5 में हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर भी एंड डिनोमिनेटर भी, और हमें आंसर मिला 3 × 4 = 12, 5 × 4 = 20। सो नया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 12/20। तो इस तरीके से 3/5 के 6/10, 9/15, 12/20, ये 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमने फाइंड आउट किए, ओके। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन है लाइक फ्रैक्शंस। अब हम देखेंगे लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है। फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शंस में अगर सारे रेशोज में या सारे फ्रैक्शंस में सेम डिनोमिनेटर है तो वो हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। अब देखिए एग्जांपल्स 2/14, 3/14, 5/14, 8/14, 11/14। इन सारे फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर आपका सेम है, तो इसीलिए सारे फ्रैक्शंस क्या हुए, लाइक फ्रैक्शंस, ओके। तो आपको समझ में आया होगा कि फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम है उन्हें हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट टाइप है अनलाइक फ्रैक्शंस। अब अनलाइक फ्रैक्शंस में फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, ओके, फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स एंड न्यूमरेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। यहाँ देखिए 3/5, 4/7, 9/11, 11/15, 15/19, इन सब में डिनोमिनेटर्स भी चेंज हो रहे हैं, न्यूमरेटर्स भी चेंज हो रहे हैं, तो सारा कुछ अलग है, सारों में न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। सो इन सब फ्रैक्शंस को हम कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस, ओके। तो हमने देखे लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, ये भी टाइप्स होते हैं फ्रैक्शंस।